दोस्तों, क्या आप ट्रैवल करते हैं टॉल रोड्स पे? इंडिया में क्या आपको आदत है टॉल रोड्स पे नाके के ऊपर कैश में पेमेंट करने की? तो भैया, आदत बदल लीजिए। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और हमारा इंडिया बन रहा है डिजिटलाइज। और इस डिजिटल इंडिया के साथ आ रहा है फास्टैग। क्या है ये फास्टैग? कैसे मिलेगा आपको फास्टैग और क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, हम जानेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए। तो जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी के बाद अगर आपको टोल नाके से क्रॉस करना है, अपनी गाड़ी को लेकर के जाना है, तो आपको मैंडेटरी होगा अपनी गाड़ी में लगवाना फास्टैग। तो क्या है ये फास्टैग? दोस्तों, बाहर के दुनिया में, बाहर के कंट्रीज में आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पर बेसिकली आपको टोल नाके पर रुक के पर्ची नहीं कटानी पड़ती। आपकी गाड़ी पे एक RFID टैग लगा होता है जो जैसे ही टोल नाके को क्रॉस करती है, एक बहुत ही हाई सेंस वाला कैमरा उस RFID टैग को स्कैन करता है और उसको पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी है, और वो आप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से टोल का पैसा काट लेता है। अब सेम ही चीज़ इंडिया में भी आने जा रही है। जैसे मैंने कहा, हमारा इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, तो कैसे चलेगा ये फास्टैग जानते हैं अभी। आपको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा एक फास्टैग के लिए अपने व्हीकल के लिए। ये आपको एक रीयूजेबल RFID छोटा सा टैग मिलता है जो आपको अपनी गाड़ी के सामने विंडस्क्रीन पे चिपकाना है ऊपर की तरफ। ये RFID टैग जैसे ही कैमरे को क्रॉस करेगा टोल नाके के, उस RFID टैग के साथ अटैच्ड जो भी वॉलेट या जो भी अकाउंट होगा उससे ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, उस टोल के जितने भी मनी है। तो कहां से मिलेगा आपको ये RFID? बेसिकली ये फास्टैग दोस्तों आपको कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी बैंक से। तो जहां पर आपका खाता है, जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, सिर्फ आपको उधर जाना है, बैंक वाले को बोलना है कि मुझे चाहिए एक RFID टैग। वहां से आपको एक RFID टैग मिल जाएगा। RFID टैग अटैच होगा आपके बैंक अकाउंट नंबर के साथ। बस आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पर्याप्त अमाउंट में बैलेंस रखना है। अगर वो बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में है तो जब भी आपकी गाड़ी ट्रैवल करेगी उस टोल नाके से, उस अकाउंट से ऑटोमेटिकली उस टोल का जितना भी 40, 50, 60 जो भी रुपये होंगे वो ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाएंगे। और जैसे ही वो अकाउंट में से पैसा कटेगा, आपको इमीडिएटली SMS भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट चुका है। साथ ही दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगह जगह पे पॉइंट ऑफ सेल सेंटर्स बनाने जा रही है फास्टैग के। जितने भी NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसेज हैं, वहां से जाकर के आप फिजिकली फास्टैग परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। ये फास्टैग आपको Amazon की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके जितने भी पेमेंट वॉलेट्स हैं, जैसे कि पेटीएम, आप पेटीएम से भी ये फास्टैग ले सकते हैं। और अगर आपके पास है कमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक या बस, तो आप फास्टैग ले सकते हैं इनके वेबसाइट से, या आप पेटीएम को कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये फास्टैग तो आप ले लेंगे, लेकिन इस फास्टैग की कॉस्ट क्या है? तो यारों, ये फास्टैग लेने के लिए ₹100 आपकी लगेगी एक्टिवेशन फीस यानी कि ज्वाइनिंग फीस, और इसके अलावा ₹250 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा उस फास्टैग का। तो जब आपका फास्टैग खत्म हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं, आपको वापस करना है, तो ₹250 सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, उस फास्टैग का यूज करने के लिए आपके अकाउंट में होना चाहिए पर्याप्त बैलेंस, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो या वो पेटीएम का वॉलेट हो जिसके साथ आपका फास्टैग असाइंड है, अटैच्ड है। उस वॉलेट में, एयरटेल मनी में, जहां से भी आप फास्टैग लेते हैं वहां पर आपको मिनिमम बैलेंस चाहिए होगा। कितना बैलेंस चाहिए होगा भैया, बताता हूं मैं अभी आपको। नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप की कार या किस टाइप की जीप के लिए आपको कितना बैलेंस चाहिए होगा। अब ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि टोल नाके पर क्रॉस करने के लिए इंडिया के अलग अलग टोल्स पे कार का रेट अलग है, जीप का रेट अलग है, से कोई बड़ा मीडियम साइज का SUV व्हीकल है उसका रेट अलग है, मोटरसाइकिल का रेट अलग है, और जैसे अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है उसका रेट अलग है। तो बेसिकली उसी हिसाब से आपको मिनिमम अमाउंट आपके अकाउंट में मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे वो अकाउंट से पैसा कट सके और आप टोल नाके को क्रॉस कर सकें। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इस फास्टैग को एक्टिवेट कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आपने फास्टैग किसी पॉइंट ऑफ सेल से परचेज किया है या आपने बैंक से परचेज किया है, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक या आपके वॉलेट के साथ अटैच्ड होगा। आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है अपने फोन पे फास्टैग की ऐप को डाउनलोड करके। तो आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है, उसमें अपने व्हीकल की डिटेल्स डालनी है, RFID की डिटेल्स डालनी है, और वो उस व्हीकल के लिए वो RFID एक्टिवेट हो जाएगा।
और अगर आपने ये पॉइंट ऑफ सेल या बैंक से नहीं लिया है और अपने से ऑनलाइन वॉलेट से लिया है जैसे पेटीएम, तो आप बेसिकली ऐप के अंदर उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐप को बता सकते हैं कि पेमेंट डिडक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली आपके पेटीएम वॉलेट से। तो यारो मतलब बहुत ही आसान है यार, सिर्फ ऐप डाउनलोड करो, फास्टैग लीजिए और ट्रैवल कीजिए इंडिया की सभी सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के। और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है अभी ले लीजिए। दोस्तों उम्मीद है मैंने फास्टैग के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, अगर कुछ मिस हुआ है तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे बताइए आपको और किस टाइप के वीडियो देखने पसंद है ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। मैं दोबारा मिलूंगा दोस्तों आपको अपने अगले वीडियो में। गुड नाइट।